सर आप लोग पार्किंग की विशेष ध्यान देंगे, बार बार निर्देशित किया जा रहा है पार्किंग इस रोड पे नहीं होगी, नो व्हीकल जोन है LIC बिल्डिंग तक। आपने जो चार पहिया वालों की पार्किंग जो है पुलिस अधीक्षक कार्यालय की बिल्डिंग में किया गया है, प्लस उसके सामने कंट्रोल रूम है उसमें किया गया है, और जो दो पहिया से जो कर्मचारी अधिकारी आएंगे उनके वाहनों की पार्किंग इस सामने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, फेंसिंग लगी हुई है चारों तरफ, उसके अंदर दो पहिया वाहन पार्क करना है। इधर रोड पे कृपया कर कोई भी वाहन लगाकर असुविधा पैदा न करें, और जो यातायात में मार्ग व्यवस्था में जो बल लगा हुआ है काले चौक LIC चल पाएंगे और फिर दूसरे व्यक्ति को खाना खाने के लिए छोड़ेंगे। ये ध्यान रखिएगा कि जो ड्यूटी है वो किसी भी स्थिति में खाली ना रहे, वहाँ पर कोई ना कोई व्यक्ति बना रहेगा, तो हड़बड़ाहट नहीं दिखानी है। और कई यदि आपको लगता है कि आपकी कुछ रिक्वायरमेंट है तो आपके पास साधन रहेगा, वायरलेस सेट्स रहेंगे, उसके माध्यम से हम लोग तक बात पहुँचाएंगे और जो भी समस्या होगी उसका निराकरण हम लोग कर देंगे। मोबाइल फ़ोन आप लोगों के पास भी नहीं रहेगा, और आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपसे यदि कोई अप्रोच करता है रिजल्ट्स के बारे में जानने की उत्सुकता दिखाते हैं तो आपको कुछ नहीं बताना, क्योंकि और ना आपको पता करना है, यह समान ज्ञान हमें नहीं दिखाना है। आपको अपनी यहाँ सुरक्षा व्यवस्था के लिए आपको लगाया गया है तो सुरक्षा व्यवस्था की ही यहाँ पर ड्यूटी करेंगे, कोई आपको समान जानकारी नहीं देनी है कि हमने ये जानकारी ली, या किसी से पूछना नहीं है आपको कि क्या हो रहा है अंदर, ये ध्यान रखिएगा। जो कक्ष के बाहर जो लगे हैं वो बाहर ही रहेंगे, अंदर तभी जाएंगे जब RO उनको बुलाएगा। अंदर अगर कुछ होता है तो RO के परमिशन से ही आप अंदर जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। कोई डाउट तो नहीं आप लोगों को? आप लोगों को आपकी ड्यूटी का स्थान पता है? मोबाइल फ़ोन को घर पे ही रख के लाइएगा, यहाँ पे मत लेके आ जाना, ताकि यहाँ पे हम वहाँ पे संभाल ना पाए, ठीक है? एक दिन अच्छा है कि आप लोग हमसे मोबाइल से दूरी रखोगे तो आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहेगा, कुछ आदतें भी सुधर जाएंगी आपको। कोई भी नशा पत्ता नहीं करेगा और ना ही कोई इस तरह की सामग्री अंदर लाएगा। गुटखा यदि कोई खाता है तो गुटखा कल नहीं खाएगा, ना ही अंदर लाएगा, उनकी भी तलाशी ली जाएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। और यदि कोई अगर इस तरह की व्यवस्था करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो जाएगी। तो कोई भी नशा पत्ता की सामग्री अंदर ना लाए, जो भी अगर करना है तो बाहर से छोड़ के आता है, जो करता है वो बाहर से छोड़ के आए वो ज़्यादा अच्छा रहे। चलिए, सबको शुभकामनाएं, अच्छी सी।